स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमारा टॉपिक था डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन। उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि रेवोल्यूशन से पहले फ्रांसीसी वुमेन की क्या कंडीशन थी, फ्रांसीसी वुमेन ने रेवोल्यूशन में कैसे पार्टिसिपेट किया, जो रेवोल्यूशनरी वुमेन थी उनकी क्या डिमांड थी, और ये भी जाना था कि फ्रांसीसी वुमेन को वोटिंग राइट कब मिला। आज का हमारा टॉपिक है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि फ्रांस में स्लेवरी कब और कैसे स्टार्ट हुई, स्लैब ट्रेड कैसे किया जाता था, और स्लेवरी को फ्रांस से कब मोबिलाइज किया गया। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजीम वॉज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी। जैकोबिन गवर्नमेंट जिसने बहुत सारे सुधार किए, उसका सबसे रेवोल्यूशनरी जो सोशल रिफॉर्म था वो था फ्रेंच कॉलोनी से स्लेवरी को यानी गुलामी को ख़त्म करना। द कॉलोनी इन द करेबियन, मार्टिनिक, गॉडलेप, सन डोमिंगोस वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज सच एज टबाको, इंडिगो, सुगर एंड कॉफ़ी। ये जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज थी, ये यूरोपियन मार्केट को टबाको, इंडिगो, सुगर और कॉफ़ी का सप्लाई करती थी। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफैमिलियर लैंड। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि यूरोपीय लोग इन फ्रेंच कॉलोनीज में जा कर के काम करना पसंद नहीं करते थे। इसके दो रीज़न बताए हैं, फर्स्ट बताया है डिस्टेंस और दूसरा बताया अनफैमिलियर लैंड। मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। जब वहाँ यूरोपीय लोग जाके काम नहीं करेंगे तो जिसकी वजह से प्लांटेशन के काम के लिए लेबरों की कमी होने लग गई। सो दिस वॉज मेट बाई अ ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन द यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। जब लेबरों की कमी होने लग गई तो इन लोगों ने एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड विकास किया जो कि तीन कॉन्टिनेंट के बीच में हुआ, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th century। ये स्लेव ट्रेड जो है 17th century में स्टार्ट हुआ। फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डेक्स एंड और नैंटीज टू द अफ्रीकन कोस्ट। जो फ्रांसीसी व्यापारी थे वो फ्रांस के पोर्ट बॉर्डेक्स और नैंटीज से अफ्रीकन कोस्ट जाते थे, वेयर दे बॉट स्लैब फ्रॉम द लोकल चीफ्टन, जहाँ वो लोकल सरदार जो थे उन लोगों से ये स्लैब्स को ख़रीदा करते थे। स्लैब्स वर पैक टाइटली इन टू शिप। खरीदने के बाद ये शिप में इन स्लैब्स को भरा जाता था और फॉर द तीन महीने की लंबी यात्रा के बाद वो पूरा अटलांटिक से करेबियन पहुंचते थे। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, जहां बगान मालिकों को वो बेच दिए जाते थे। द एक्सप्लोटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर सुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। जो इतने शोषण के बाद ये पॉसिबल हो पाता था कि यूरोपीय मार्केट को सुगर, कॉफ़ी और इंडिगो पहुंच पाता था। पोर्ट सिटी लाइक द बॉर्डेक्स एंड नैंटीज, इस समय 17th century में जो पोर्ट सिटी फ्रांस की थी बॉर्डेक्स एंड नैंटी, इकोनॉमिकली काफ़ी रिच थी। क्यों रिच थी? फ्लारसिंग स्लेव ट्रेड, क्योंकि यहाँ स्लैब ट्रेड फल फूल रहा था। थ्रू आउट द 18th century देयर वॉज अ लिटिल क्रिटिसिजम ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18th century तक आते आते धीरे धीरे स्लेवरी के ऊपर लोग थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म करने लग गए। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट। नेशनल असेंबली ने लंबे लंबे डिबेट किए स्लेवरी के ऊपर। लेकिन नेशनल असेंबली वही है जिसे थर्ड स्टेट ने फॉर्म किया था, लेकिन इस नेशनल असेंबली को चला कौन रहा है? रिच लोग। द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। बातें तो बड़ी कर रहे हैं वो लोग कि सभी जो मैन हैं सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो कॉलोनी में ही क्यों ना रहते हों। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन नेशनल असेंबली ने कोई भी लॉ पास नहीं किया। फियरिंग अपोजिट, इनको किसका डर था? अपने अपोजिशन का। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन जिनका इनकम जो था वो डिपेंड करता था इस स्लैब ट्रेड के ऊपर, उन्हीं के डर से इन लोगों ने कोई लॉ पास नहीं किया। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच वॉज 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल द स्लेव। जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई तो उसने एक लॉ ला करके 1794 में जितने भी स्लेव थे सबको उसने फ्री कर दिया। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी द शॉर्ट टर्म मेजर। जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी उसका ये सुधार बहुत थोड़े समय के लिए था।
10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। 10 साल बाद जब नेपोलियन आए तो उन्होंने स्लेवरी को फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि 1804 में नेपोलियन जो है अपने आप को एम्परर फ्रांस का बना लिया था। तो इसके बाद प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम, जो प्लांटेशन ओनर हैं वो अपनी अब आज़ादी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब तो राइट मिल गया कि वो अफ्रीकन निग्रोस को फिर दोबारा वो स्लैब बनाएंगे और अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी को और अच्छा बनाएंगे, बढ़ा करेंगे। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। जो फ्रांस में स्लेवरी थी उसको ख़त्म तो होना ही था। स्लेवरी वॉज फाइनली अबलाइज इन फ्रांस कॉलोनी इन 1848। फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज थी, कॉलोनीज का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जैसे कि इंडिया जो था ब्रिटिश की कॉलोनी था, उसी तरह फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज थी वहाँ से स्लेवरी को 1848 में हटा दिया गया। स्टूडेंट नोट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट वाज द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अलावा आज मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन भी देने वाली हूँ, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन द क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंस्कुलॉट? तो आंसर है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द रेड कैप वॉर्न बाई सैंस्कुलॉट सिम्बलाइज? जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे उन्हें सैंस्कुलॉट बोला जाता था, वो रेड कैप जो पहना करते थे उसका क्या मतलब होता था, वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करता था? तो लिबर्टी को, आंसर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द असेंबली विच वॉज कॉल्ड इन फ्रांस इन 1792? 1792 में जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली आई उसका क्या नाम था? तो नाम था कन्वेंशन। हु एबलाइज मोनार्की इन फ्रांस एंड डिक्लेयर इट अ रिपब्लिक एंड वैन? तो फ्रांस से मोनार्की पूरी तरह ख़त्म करके फ्रांस को रिपब्लिक किसने डिक्लेयर किया था और कब? तो वो था कन्वेंशन ने डिक्लेयर किया था, और कब? 21 सितंबर 1792 को। वेन डिड द वुमेन इन फ्रांस गेट द राइट टू वोट? फ्रांसीसी वुमेन को वोट देने का राइट कब मिला? तो 1946 में। वेन वॉज द स्लेवरी एबलाइज्ड? फ्रांस से स्लेवरी कब खत्म हुई? तो 1848 में। हु रोट द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन? किसने ये लिखा था? तो इनके बारे में मैं पहले वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ, बहुत रेवोल्यूशनरी फ्रांसीसी वुमेन थी, इन्होंने अलग से राइट लिखा था अपना। ये थी ओलंपी डी गॉजिस। फिर व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस? नेपोलियन कब फ्रांस के एम्परर बने? 1804। व्हेन वॉज नेपोलियन बोनापार्टे फाइनली डिफीटेड? कब डिफीट हुए थे? तो 1815 में। तो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन आप लोग प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।